गाइस, Xiaomi इंडिया में HyperOS 1.5 और HyperOS 2.0 के अपडेट्स को रोल आउट करना स्टार्ट कर दिया है। देन इसके साथ और भी बहुत सारे ऐसे अपडेट्स हैं जो यहां पर देखने को मिल रहे हैं। इंडिया में कंटिन्यू रोल आउट स्टार्ट है और HyperOS 1.5 के साथ जो HyperOS नॉर्मल वर्जन है उसके भी काफ़ी सारे ऐसे अपडेट्स हैं जो कि इंडिया में कंटिन्यू रिलीज किए जा रहे हैं काफ़ी सारे डिवाइसेस के लिए। और आज और कल की डेट में भी ये बहुत सारे अपडेट्स देखने को मिले हैं और उसके साथ ही HyperOS 1.5 और 2.0 के जो सिस्टम ऐप्स के अपडेट हैं वो भी लॉट्स ऑफ डिवाइसेस के लिए यहां पर रिलीज किए गए हैं। तो यार, इस वीडियो में आप सभी के लिए काफी सारी इन्फॉर्मेशन है, काफी सारी टेक न्यूज है। ये वीडियो लास्ट तक का देखते रहिए। चैनल पर अगर पहली बार आए तो इसको सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा लगे तो यार एक लाइक जरूर दें। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो यहां पर अगर मैं पहले अपडेट की बात करूं तो भाई फाइनली Redmi Note 13 Pro Plus जो 5G मॉडल है इसके लिए HyperOS 1.5 को ऑफिशियल रिलीज कर दिया गया है और उसके साथ ही HyperOS के जो नॉर्मल 1.0 के अपडेट्स हैं वो भी देखने को यहां पर मिले हैं। तो यहां पर एक नया अपडेट देखने को मिला है, 1.0.7.0 है और ये जो अपडेट है EA में देखने को मिला है। और उसके साथ ही इस अपडेट में आपको यहां पर जो जुलाई है उसका सिक्योरिटी पैच देखने को मिल जाता है। काफी सही अपडेट है लेकिन इस डिवाइस के लिए CN में Redmi Note 13 Pro Plus जो 5G है इस डिवाइस के लिए CN में यहां पर HyperOS 1.5 को भी अपडेट जो वो रिलीज यहां पर कर दिया गया। इंडिया में भी काफी जल्दी ही अपडेट्स यहां पर देखने को मिलेगा। और गाइस, अगर आप पोको X5 5G मॉडल यूज करते हो इंडिया में तो भाई इसके लिए HyperOS का एक नया अपडेट जो इंडिया में रिलीज कर दिया ऑलमोस्ट सारे यूजर्स के लिए। इसका जो लेटेस्ट वर्जन है वो आप देख सकते हो 1.0.5.0 है जो कि यहाँ पर 144 MB का देखने को यहाँ पर मिला है। और ये जो अपडेट है वो आपको July 24 सिक्योरिटी पैच के साथ यहाँ पर मिल जाता है। अगर आप पोको X5 जो 5G मॉडल है यूज करते हो तो इसका एक नया बिल्ड रिलीज किया गया है इंडिया के लिए जिसको आप यहाँ से ट्राई कर सकते हो। और गाइस, अगर आप इंडिया में Redmi Note 13 जो 5G मॉडल है यूज करते हो तो भाई इसके लिए भी HyperOS का एक नया अपडेट Xiaomi ने आज की डेट से पब्लिक के लिए रिलीज करना स्टार्ट कर दिया। ये अपडेट अभी 2-3 दिन पहले Redmi Note 13 5G मॉडल के लिए इंडिया में रिलीज किया गया था जो कि 1.0.9.0 है और ये जो अपडेट है वो 199 MB का है और इसमें आपको July 24 का सिक्योरिटी पैच भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो अगर आप ये डिवाइस यूज करते हो तो इसका पब्लिक रोल आउट स्टार्ट है और इस पर मैंने ऑलरेडी फुल फीचर रिव्यू चैनल पे अपलोड कर दिया, क्या फीचर्स, क्या ऑप्टिमाइजेशंस हैं, बग्स वगैरह डिटेक्ट हुए या नहीं हुए, वो सारी जानकारी आपको वीडियोस में मिल जाएगी। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जिसको आप चेकआउट कर सकते हो। नेक्स्ट अपडेट की मैं बात करूं, अगर आप इंडिया में पोको X6 Pro यूज करते हो तो भाई इस डिवाइस के लिए HyperOS का एक नया बिल्ड रिलीज किया गया है, 1.0.9.0 है जो कि यहाँ पर 155 MB का देखने को मिलता है और इस अपडेट में आपको July 24 का जो सिक्योरिटी पैच है वो भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो अपडेट यार काफी सही है और ये पोको जो F6 Pro डिवाइस है उसके लिए इंडिया में रिलीज किया गया है। हालांकि यहाँ पर जो HyperOS 1.5 है उसको भी Xiaomi कंटिन्यू रोल आउट यहाँ पर कर रहा है। नेक्स्ट अपडेट की मैं बात करूं तो भाई पोको जो F4 डिवाइस है इस डिवाइस के लिए ग्लोबल स्टेबल में 1.0.3.0 का स्टेबल बिल्ड रिलीज किया गया है। ये अपडेट पब्लिक के लिए रिलीज कर दिया गया और इस अपडेट में आपको काफी सारे इंप्रूवमेंट मिलते हैं और July 24 का सिक्योरिटी पैच भी यहां पर आपको देखने को मिल जाता है। एंड्रॉइड 14 बेस्ड अपडेट है और यहां पर आप देखोगे इंप्रूवमेंट के अंदर आपको कुछ ऑप्टिमाइजेशन, इंप्रूवमेंट, सेंसिटिविटी, कैलकुलेटर बॉटम का जो फीचर है वो आपको यहां पर देखने को मिलता है बटन्स का जिसको आप यहां से ट्राई कर सकते हो। और गाइस, अगर आप Xiaomi 12 यूज करते हो तो इस डिवाइस के लिए भी ग्लोबल स्टेबल में 1.0.4.0 का जो स्टेबल बिल्ड है पब्लिक वाला वो रिलीज यहां पर कर दिया गया। एंड्रॉइड 14 बेस्ड है और 4th नंबर का अपडेट है, July 24 का सिक्योरिटी पैच भी यहां पर देखने को मिला है जिसको आप यहां से ट्राई कर सकते हो। और गैस, यहाँ पर HyperOS 2.0 का जो सेटिंग ऐप है उसके अंदर कुछ नए फीचर्स देखने को मिले हैं। HyperOS 2.0 के अंदर आपको कुछ नए फीचर्स देखने को मिलेंगे जिसमें आप देखोगे एडिशनल सेटिंग के अंदर नोटिफिकेशन सेटिंग का जो नया पैनल है वो देखने को मिलेगा, सिक्योरिटी सेटिंग अलग से मिलेगी, टेम्परेचर यूनिट का फीचर मिलेगा और इसके साथ एक्सपेरिमेंटल जो फीचर्स हैं वो भी देखने को मिलेंगे और यहाँ पर मैनेज होम्स के फीचर मिलेंगे। मतलब बहुत सारे ऐसे नए फीचर्स जो हैं वो HyperOS 2.0 के अंदर जो है वो यहाँ पर काफ़ी सारे Xiaomi और Redmi और Poco के डिवाइसेज में एडिशनल सेटिंग्स के अंदर यहां पर देखने को मिलने वाले हैं इंडिया में। और गैस, यहां पर अगर आप Redmi Note 11S या फिर Poco M4 Pro यूज करते हो तो इस डिवाइस के लिए 1.0.2.0 ऑलरेडी यहां पर रिलीज कर दिया गया जिसको आप ट्राई कर सकते हैं। इसका लिंक भी मैंने टेलीग्राम पे आपको शेयर कर दिया है। और यहाँ पर HyperOS 2.0 का एक हिडन कैमरा का जो फीचर है वो यहाँ पर देखने को मिला है जिसमें आप यहाँ पर देखोगे स्कैन जो कैमरा है उसको स्कैन कर सकते हो और ये वाईफाई से कनेक्टेड रहेगा जिसमें आप देखोगे करंट टेस्ट रिजल्ट करंटली कॉन्फ्रेंस ओनली। मतलब यहाँ पर बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो कि यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे जिसमें आप यहाँ पर हिडन कैमरा जो है वो डिटेक्ट कर सकते हो। ये फीचर काफी जबरदस्त होने वाला है, बहुत सारे होटल्स वगैरह में आप जाते होगे वहां पर इसको डायरेक्टली इस कैमरे की मदद से जो हिडन कैमरा होते हैं उनको स्कैन कर सकते हो। यहाँ पर स्टार्ट स्कैनिंग का ऑप्शन आएगा तो ये जो फीचर है ओब्वियसली बहुत जबरदस्त यहाँ पर होने वाला है और ये HyperOS 2.0 के अंदर को देखने को मिलेगा।
और गैस यहाँ पर पोको जो M6 प्लस है 5G मॉडल, इस डिवाइस को यहाँ पर लॉन्च कर दिया गया है इंडिया में 11999 में ये डिवाइस जो वो मिल रहा है। और आज इसकी जो लाइव सेल है वो यहाँ पर आप देख सकते हो एट 12 PM जो है वो फ्लिपकार्ट पे है, तो आप इसको डायरेक्टली यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। और इसका जो लुक है वो सेम एज रेडमी 13 जो 5G मॉडल है, सेम दोनों ही डिवाइस हैं, सेम प्रोसेसर है, सेम कैमराज हैं, बस खाली नाम चेंज है, बस और कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं। लेकिन यहाँ पर आपको ये काफ़ी कम बजट में मिल रहा है, हालांकि मैं बात करूँ रेडमी 13 5G की तो वो आपको 13999 में मिल रहा है, लेकिन ये जो डिवाइस है वो आपको 11999 में मिल रहा है। तो मतलब काफ़ी अच्छी डील है, अगर आप इसको चाहते हो परचेस करना तो भाई यहाँ से कर सकते हो। नेक्स्ट अपडेट की मैं बात करूँ तो भाई Redmi Note 11 सीरीज में Redmi Note 11 के लिए ग्लोबल स्टेबल में एक नया बिल्ड रिलीज किया गया है। और इस अपडेट की मैं बात करूँ तो 1.0.7.0 है, 215 MB का ये अपडेट यहाँ पर देखने को मिला है। और इस अपडेट में आपको August 24 का जो सिक्योरिटी पैच है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जो कि भाई काफ़ी सही चीज़ है, डेफिनेटली आप इसको यहाँ से ट्राई कर सकते हो। और इस पर मैंने फुल फीचर रिव्यू भी यहाँ पर अपलोड किया हुआ है, क्या फीचर्स हैं, क्या ऑप्टिमाइजेशन हैं, तो उस वीडियो को भी आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। इंडिया की मैं बात करूँ तो इंडिया में भी काफ़ी जल्द Redmi Note 11 के लिए अपडेट यहां पर देखने को मिलेगा। और यहाँ पर जो Poco M4 Pro 4G मॉडल है, इस डिवाइस के अंदर भी HyperOS का एक नया बिल्ड रिलीज कर दिया गया है इंडिया में, जो कि 1.0.4.0 है, 505 MB का अपडेट है, July 24 का सिक्योरिटी पैच है। डेफिनेटली आप इसको भी यहाँ से ट्राई कर सकते हो, हालांकि अभी जो टेस्टर्स हैं उनको देखने को मिला है, पॉसिबिलिटीज ये है कि एक वीक के अंदर डेफिनेटली ये सारे यूजर्स को इंडिया में भी देखने को मिलेगा आपके Poco M4 Pro जो 4G मॉडल है इस डिवाइस के अंदर। और यहाँ पर HyperOS 1.5 के जो 3D विजिट्स हैं, 3D विजिट्स इनका जो नया IPK है वो रिलीज कर दिया गया, सिस्टम लॉन्चर का लेटेस्ट अपडेट आया हुआ है। अगर आप ये 3D विजिट्स अपने Redmi Xiaomi के डिवाइस में यूज़ करना चाहते हो तो भाई कर सकते हैं, क्योंकि Poco में ये वर्क नहीं करेंगे, क्योंकि जो इसका एक लॉन्चर आया है वो Redmi और Xiaomi के डिवाइसेज में ही वर्क करता है, Poco वाले जो है Poco लॉन्चर में ही यूज़ कर पाएंगे। तो इसमें आपको कुछ इस टाइप के विजिट्स मिलेंगे, और यहाँ पर इसका जो टेक्स्चर है वो आपको कुछ एक नेक्स्ट लेवल का मिलेगा, iOS 18 से कॉपी इसको किया गया है आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि iOS 18 के अंदर ही इस टाइप के जो इमोजी हैं यहाँ पर विजिट्स वाले इमोजी वो देखने को मिले हैं। तो ये फीचर आया हुआ है और इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, अगर आप चाहते हो इसको यूज करना, इस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो भी बनाया हुआ है कि किस तरीके से आप इसको इनेबल यहां से कर सकते हो। और गाइस यहाँ पर HyperOS 1.5 का एक और नया फीचर देखने को मिला, जिसमें HyperOS 1.5 मैनेज जो ऐप ट्रैकिंग का फीचर है वो यहाँ पर देखने को मिला है, जिसमें आप देखोगे मैनेज ट्रैकिंग आइडेंटिफायर और उसके साथ ही यहाँ पर मैनेज ऐप ट्रैकिंग का जो फीचर है वो आया हुआ है। इसका जो सिक्योरिटी ऐप का लेटेस्ट APK है वो यहाँ पर अवेलेबल है, अगर आप चाहो ये वाले फीचर्स यूज करना तो इस APK का लिंक मैंने टेलीग्राम पे आपको शेयर कर दिया है, तो इसको डायरेक्टली एक्सेस करके आप यहाँ पर ये फीचर्स भी एक्सेस कर सकते हैं। हालांकि ये कुछ सपोर्टेड डिवाइसेज में ही वर्क कर रहे हैं, सारे फीचर्स अभी जो है सारे डिवाइसेज में वर्क नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप इसको ट्राई कर सकते हो, अच्छा लगता है तो ट्राई कर लो, नहीं तो उसको आप एनी टाइम अनइंस्टॉल भी कर सकते हो। और गाइस यहाँ पर Xiaomi 13T जो ग्लोबल स्टेबल है, इस डिवाइस के लिए HyperOS का एक नया बिल्ड जो है वो रिलीज कर दिया गया है। इस अपडेट की मैं बात करूँ तो आप देख सकते हो 1.0.6.0 ग्लोबल स्टेबल में आया है, और इस अपडेट में आपको July 24 का सिक्योरिटी पैच भी यहाँ पर मिल रहा है। हालांकि अपडेट जो है वो HyperOS 1.5 का है, और इसमें आपको काफी सारे नए फीचर्स, लॉक स्क्रीन जो रिड्यूस एक्सीडेंटल ट्रिगर्स हैं उनको यहाँ पर देखने को मिल जाता है, और लॉन्ग स्क्रीन जो होल्ड एडिट प्रेस वाला बटन है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। काफी सही अपडेट है, इसको आप यहाँ से ट्राई कर सकते हो। और गैस इंडिया में फाइनली Redmi K50i के लिए HyperOS का नेक्स्ट अपडेट रिलीज कर दिया गया है, जो कि काफी बढ़िया अपडेट है, और ये अपडेट MI पायलट टेस्टर्स को पहले देखने को मिला था, एक वीक पहले इसका रोल आउट हुआ था, बट अभी ये पब्लिक के लिए रिलीज कर दिया, जो कि ऑलमोस्ट सारे यूजर्स को आज की डेट में देखने को यहाँ पर मिल गया है। अगर आप Redmi K50i यूज करते हो तो ये जो अपडेट है वो 1.0.2.0 रिलीज किया, जो कि 194 MB का अपडेट है, June 24 का सिक्योरिटी पैच है, जो कि थोड़ा सा ओल्ड हो जाता है, बट फिर भी कोई नहीं, HyperOS 1.5 भी इस डिवाइस को देखने को मिलेगा, जो कि और भी काफी सारे अपडेट्स यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर काफी सारे डिवाइसेस के लिए अपडेट्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, आने वाले टाइम में और भी अपडेट्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अभी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि भाई आपके पास कौन सा फोन है और आपके फोन में यहाँ पर कौन सा अपडेट अभी तक देखने को मिला है, HyperOS मिल गया है या नहीं मिला है, या फिर उसको आप अभी तक ट्राई नहीं कर पाए हो, तो उसका नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अपडेट अवेलेबल होगा तो उसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड यहाँ पर कर दूंगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स उसको शेयर करें, चैनल पर अगर पहली बार है तो इसको जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।